नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। चित्रकूट के जेल में शुक्रवार को दो गुटों के बीच में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में दो जो है अपराधियों की हत्या भी हो गई। आपको बता दें कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी मिराज खान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा अपराधी, जो बड़ा नाम था, जो काफ़ी दिनों से जेल में है, मुकीम काला, उसकी जो है हत्या कर दी गई है। उसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस हत्या को अंजाम देने वाले अपराधी अंशु दीक्षित को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दें कि शुक्रवार को किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें अंशु दीक्षित ने दो लोगों को मारा है, जिसमें मिराज खान और मुकीम काला की हत्या हुई है। इसके बाद अंशु दीक्षित जेल के अन्य पांच कैदियों को बंधक बना के रखा था और उन्हें भी मारने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद पुलिस से भी सामने से जवाबिया कार्रवाई की गई। दोनों तरफ से पुलिस और मुकीम अंशु दीक्षित की तरफ से भी फायरिंग हुई और इस पुलिस की कार्रवाई में अंशु दीक्षित को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के जेल से इस तरीके की खबरें आई थी कि कहीं जेल में असलाह मिल रहा है, और मुन्ना बजरंगी की भी जिस तरीके से जेल में हत्या हुई थी उसके बाद जेल प्रशासन पर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के से या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के चले जाए या फिर वो जेल में होंगे। लेकिन जेल में इस तरीके की घटना का होना प्रदेश सरकार के जो जेल की एक व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि जो भी नए उम्र के कैदी आते हैं उनके लिए इस तरीके के, अगर जेल में इस तरीके की घटनाएं होती है, जो बड़े कैदी रहते हैं वो अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं जेल से जो नए अपराधी हैं वो सुधरने की जगह बल्कि और विकराल रूप ले सकते हैं, समाज के लिए और घातक हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जेल के अंदर मोबाइल और अवैध जो है असलहों की मामले सामने आते रहे और अब इस तरीके के जो जेल के अंदर गैंगवार हुआ है उसके बाद पुलिस मुठभेड़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेल प्रशासन लगातार ये दावा करता है कि उनकी जेल पूरी तरीके से सुरक्षित है, जेल में किसी तरीके का मोबाइल कोई अवैध काम नहीं हो रहा है, लेकिन कोई किसी अपराधी के पास अवैध असलहा जाना और जेल के अंदर इस तरीके की बड़ी गैंगवार होना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है और 6 घंटे के अंदर जो है वो रिपोर्ट मांगी है। हम आपको बता दें कि सूत्रों से जिस तरह से जानकारी मिली है, हाल ही में सुल्तानपुर जेल से जो शिफ्ट किया गया था अंशु दीक्षित, पूर्वांचल के बड़े गैंगस्टर अंशु दीक्षित माना जाता है, पूर्वांचल में कई जघन्य घटनाओं को इसने अंजाम दिया है, वहीं जेल में बंद मिराज खान और मुकीम काला जिनकी हत्या अंशु दीक्षित के द्वारा की गई गैंगवार में, हम आपको बता दें कि मिराज खान जो है 2020 में ही एक अवैध तरीके से असलहों का फर्जीवाड़ा के मामले में उसने वाराणसी के एक थाने में आत्मसमर्पण किया था। मुन्ना बजरंगी के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था, एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के गैंग का जो है संचालन करता था पूरे पूर्वांचल में मिराज खान। इसी के साथ ही मुकीम काला जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बड़ी घटनाओं में उसका नाम सामने आया, कई जगह घटनाओं को उसने अंजाम दिया है, लेकिन जिस तरीके से जेल में ये घटनाएँ हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इन बातों को लेकर के हमलावर हो रहा है। इसी तरीके से जब मुन्ना बजरंगी की बागपत के जेल में हत्या हुई थी तो भी लगातार इस तरह के सवाल उठे थे कि प्रशासन के मिलीभगत से, शासन के मिलीभगत से इस तरह की घटनाओं को जेल में अंजाम दिया जाता है, क्योंकि अगर जेल प्रशासन चाह जाए तो जेल के अंदर किसी भी तरीके का कोई सामान नहीं जा सकता है, लेकिन लगातार कैदियों के पास से मोबाइल मिलना, अवैध असलहे मिलना, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हम आपको बता दें कि अभी जो ताज़ा जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है, 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा है। आपको बता दें कि फिर से एक बार आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये घटना हुई है पूरे चित्रकूट प्रशासन के लिए बड़ा चिंता का सबब है। लगातार जो है जेल में अब एक तरीके से प्रशासन की छापेमारी चल रही है, पूरे देश, पूरे जेल परिसर के अंदर बैरकों में चेकिंग की जा रही है कि इस तरीके के अगर असलहे और हैं तो उनकी बरामदगी की जा सके। लगभग 9:30 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गांव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर दो बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला,
उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं, फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति